टू थ्री स्टेप वाला सैंडल ले लें, अगर आपने इनके सैंडल नहीं लेना जोगर ले लें, जो आपको इससे बड़ा आपने नहीं परचेज करना, ठीक है। जोगर जब ले लो, जब इसको पहना के फिर उस साइज के, उस पहले इसको आप ना भी लेके जिसके अंदर जोगर के अंदर इंसर्ट हो जाए, फिट हो जाए जिसके अंदर, आप बेशक ना भी लेके जाए, ठीक हो गया। जोगर आपने तस्मो वाला ले, ऐसा तो नहीं होगा यानी कि नीचे से फिट हो जाए तो ऊपर से लूज हो जोगर, क्योंकि ऑलरेडी वो ले, मैं वो बताना स्टैप वाला आपने नहीं लेना, तस्मो वाला लेना है। हाँ, जितने उसमें ग्रिप ऑफ करना पर ये लूज नहीं ना, वो टाइट कर पाएगा। और आइए एंकल ले लेना, जो आपने सोल लेना वो नीचे से मजबूत लेना, बेशक सैंडल ले लें या जो जो वो आपका देख रहे, चप्पल में नहीं ये पहनेगा, ठीक है, क्योंकि पाँव आगे पीछे नहीं। और आपका आपने बाजार वाला शूज उतार देना सर, ये पहना के चलाना, ठीक हो गया। जब भी आपने करना है जी जी, ये पाँव पकड़ लेना, जब भी आपने नहीं कुछ भी नहीं करना, जब भी आप बैंड कर, जब भी आपने करना टांग सीधी करके नहीं करने की, ठीक है। जब आपने चार के उतारने की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, पाँव इन साइड बाहर जा रहे हैं, हमने पाँव की मूवमेंट पकड़नी, अंदर लगा लेना, ठीक है, चार से लेके जाना है, ठीक है जी, ठीक है। एक थंब यहाँ पे, दो फिंगर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। और इधर ना मैंने आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि हुज़ैफ़ा इतना ज़्यादा रो रहा था ना, और मुझे उन तरीका भी देखना था कैसे पहना रहे हैं, इसलिए मैं ना ये वाली वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कैसे पहनाते हैं। और कल वाली वीडियो के बारे में भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, आप ही हुज़ैफ़ा के कान क्यों चेक करवाने, इसको बेहोश क्यों करना है, इसकी ECG क्यों करनी है। तो वो ECG इसलिए करनी है कि हुज़ैफ़ा की जो आईज़ है ना वो चेक करवानी है, और वो बेहोश करके चेक करनी है। तो हार्ट वाले डॉक्टर ने ECG करनी है ताकि वो हमें बताएं कि अगर इस बच्चे को बेहोश करने वाली दवाई देंगे तो इसका कोई असर तो नहीं ना होगा दिल पर, तो वो ECG ठीक आएगी तो परमिशन देंगे, तो फिर हुज़ैफ़ा को ना स्पेशल डॉक्टर आएँगे जो बेहोश करते हैं, वो इसको डोज देंगे उतनी, तो ये सारा प्रोसीजर होगा, फिर जाके हुज़ैफ़ा की जो है ना वो चेक होंगी। और हेयरिंग का मसला ये है कि अब ना हेयरिंग वाला डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने इसको रात को सुलाना नहीं है, आपको इसको रात को जगा के रखे ताकि ये सुबह जब इसकी हेयरिंग चेक करवानी हो ना तभी ये सो रहा हो। हुज़ैफ़ा का मसला ये है कि इसकी नींद जो है ना वो ऐसी है कि अगर आप इसके पास ना इसकी चादर भी ऊपर से हल्की सी उठा के आगे पीछे कर देंगे ना, इसने एकदम से उठ जाना है। ये देखें जी, सब हुज़ैफ़ा के शूज़ देख लें और दुआ दें कि बस जल्दी से ना इस शूज़ का हुज़ैफ़ा को फ़ायदा हो। और ये वाला जो आप अंगूठा देख रहे हैं ना, इस वाले पाँव का, ये तो ये देखिए कितना ज़्यादा बल पड़ रहा है ना, तो ये ही अंगूठा उस तरफ को टेढ़ा हो रहा था, जो अब इस तरफ को इसमें बल पड़ रहा है, ये देखें कितना ज़्यादा बल पड़ रहा है ना। और ये ना अपने लिए मैं शूज़ लेके आई हूँ, और कोई मिल ही नहीं रहे थे, वो वाटर प्रूफ नहीं थे, तो अंदर से इस तरफ फॉर्म लगा हुआ था, वो सारे गीले हो जाने थे, तो फिर ना वो फिर सूखते नहीं थे वो पाँव, फिर फंगस वगैरह का मसला ना बन जाए, तो फिर मैंने ना यही ले लिए पानी में पहनने वाले शूज़ जो हैं। अब ये भी देखती हूँ, मेरे पाँव अंदर गुजर जाते हैं ऐसे करके, ये देखती हूँ अगर तो मुझे सेट बैठे ठीक है, अदरवाइज ना चेंज भी कर सकते हैं। और ये मुझे ना चेज वैल्यू से मिले हैं 700 के, और ये टूटेंगे भी नहीं, तकरीबन साल चल जाएंगे, मैंने पहले भी लिए हुए हैं। और ये हुज़ैफ़ा के लिए शूज़ लेके आए हैं जिनसे हमने बनवाए हैं ना, पसंद आ उस्मान को पसंद आ रहे, हुज़ैफ़ा इतना हैप्पी हो रहा था ना जब इसको शूज़ पहनाए, तो ना डॉक्टर ने जिनसे हमने लिए ना उन्होंने कहा है कि आपने ना इसके शूज़ में है ना थोड़े से ना इस साइज़ के लेने हैं, जैसे ये ना इस साइज़ के लेने, पाँव के साइज़ के नहीं लेने, इस साइज़ के लेने, इसके आगे फिट आए, तो फिर हमने नए लेने पड़ने थे, तो अभी ये जाके ना हम लेके आए क्योंकि हमने खड़ा क्या करना है, हुज़ैफ़ा को वो कह रहे थे शूज़ के बगैर आपने खड़ा नहीं करना, तो ये वाला लेके आए। वाओ कितने प्यारे हैं ना, ये 3D है, इसके ऊपर 3D वाल्स है, इस तरह का लगा हुआ है कुछ, ये देखें। और ये लाइट भी आई थिंक जलती है, इसकी लाइट चलती है नहीं, लाइटों वाला नहीं है ये। और ये यहाँ पर जिप लगी हुई है, इसलिए हमने जिप, उन्होंने कहा था जिप वाला लेना है आपने, ताकि अच्छी तरह से ओपन करके फिर इसको ना पहनाए, ताकि वो टूटे ना, ये आपको टूटे ना। लाइट चल रही है, ये देखो लाइट चल रही है, हुज़ैफ़ा चलेगा तो इंशाअल्लाह लाइट भी चलती हुई दिखाई देगी हमें। और ये शूज़ मैंने कहा ले लेते हैं, खड़ा तो किया करना है हुज़ैफ़ा को। और ये शूज़ आए हैं हुज़ैफ़ा के 1300 के आए हैं, उस्मान कितने के बता रहे थे वो, ये 1300 के हुज़ैफ़ा के ये वाले शूज़ आए हैं, अच्छी क्वालिटी है इनकी, सॉफ्ट से हैं इसके। और अब ना मैं आपको इन AFO के बारे में बता देती हूँ, ये जो छोटे वाले हैं ना यहाँ तक बनते हैं इनको AFO कहते हैं, और जो फुल लेग के भी एक बनते हैं उनको आई थिंक KFO कहते हैं, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ना आइडिया दे दिया। और ये बने हैं 7000 के, ठीक है, मैंने कहा आपको ना सारी डिटेल और प्राइस वगैरह बता देती हूँ। आपने जाना है पहले तो फिजियो डॉक्टर के पास जाना है, अगर वहाँ पर आपको तसल्ली नहीं होती आपने हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो वो आप लोग गाइड करेंगे। हम हड्डियों वाले डॉक्टर के पास ही गए थे, तो उन्होंने हमें लिख के दिया था कि आप ये
वाले चेक करवा दें, हमें तसल्ली होगी ठीक है, वो हड्डी देख के बता देंगे। मुजफ्फर के पाँव की ना एक हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, तो उनको ज़्यादा आइडिया हो जाता है क्योंकि वो ऑपरेट वगैरह भी करते हैं, बच्चों की हड्डियाँ वगैरह भी जोड़ती हैं, तो इसलिए हम ना आर्थोपेडिक के पास गए थे। इसको उस्मान पकड़ेंगे ना, ये फिर प्रॉपर खड़ा होगा, तो ये देखे ना अब ज़्यादा जोर नहीं ऊपर से मुझे लगाना पड़ रहा, उसको पकड़ लिया आपने। तो अब मुजफ्फर को ना ऐसे ना 10 मिनट के लिए हम वैसे खड़ा करेंगे, बाद में उसको स्टैंडिंग फ्रेम में भी खड़ा किया कर। ये साइड बिस्तर साइड पे करके ना मुजफ्फर को खड़ा किए, और ये देखें मैंने कहा इसको ना बिस्तर सारा साइड पे करते हैं, इसकी जो ना स्टैंडिंग मशीन अच्छी तरह से ना इसकी वॉक हो जाएगी। और ये देखें मुजफ्फर को खड़ा कर दिया इसके बाबा जानी ने, और पहली दफ़ा ना हमने ये वाले शूज़ और वो एयरफो पहना के खड़ा किया। अब देखते हैं क्या करता है, ये रोता है या नहीं रोता, फेस के एक्सप्रेशन तो अच्छे दे रहा है। अब आगे देखते हैं कितनी देर खड़ा होता है। वैसे हम ना इसको खड़ा करते हैं 15 से 20 मिनट खड़ा करते हैं, टाइम नोट करो एक मिनट सारे में नोट करती हूँ टाइम इतना हो गया इसको खड़ा करना, तकरीबन हमने ना 15 से 20 मिनट खड़ा करते हैं, तो आज भी इतने ही खड़ा करेंगे। टाइम हो गया 12:11 मिनट पर खड़ा किया समझ ले आप, ठीक है। जैफा को ना एसी, ये देखें एसी है, एसी के सामने खड़ा कर दिया, ये राजी रहे बस ये खड़ा हो जाए किसी तरह आधा घंटा। सामने टीवी ना लगा दे इसको, ये देखो ये ले लो आप ना, ये देखो इसके साथ खेलो आप, इसके साथ खेलो आप, ऐसे वेल डन। टीवी भी लगा दे आपको बाबा जान, टीवी भी लगा दे हमें ऐसे करते। और आप भी कह रहे होंगे ये पता नहीं मियाँ बीवी क्या कर रहे हैं, ये क्यों क्लैपिंग करी जा रहे हैं, ये हुज़ैफ़ा को राज़ी करने के लिए ना इतना कुछ हमें करना पड़ता है, हमें सारे तमाशे करने पड़ते हैं। टीवी भी लगा के दिया, मोबाइल भी लगा के दिया, लेकिन इसको एएफ पहली दफ़ा पहनाए ना तो वो टाइट होते हैं, तो वो खड़ा भी किया तो वो थोड़ा सा ना उसको तंग कर रहे थे, तो ज़ाहरा रोएगा। फिर हम इसको ना इंगेज करने के लिए कभी कुछ तमाशे करते हैं कभी कुछ करते हैं, ये देखें हम मियाँ बीवी को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैं आगे खड़ी हो जाती हूँ और उस्मान पीछे हो जाते हैं ताकि मेरा भी जोर ना लगे उसको घुमाने में, और मैं आगे को खींचती हूँ उस्मान पीछे खींचते, जब रोने लग जाता है तो मैं क्लैपिंग करने लग जाती हूँ, और इसको हैप्पी बर्थडे करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर मैं हैप्पी बर्थडे इस तरह करने लग जाती हूँ। तो बस ना किसी तरह हमने करके ना 15 मिनट हमने गुजारे हैं, यकीन माने एसी भी चल रहा था और पसीने छूट रहे थे मेरे, क्योंकि मैं हुज़ैफ़ा में स्ट्रेस भी थी मुझे, हुज़ैफ़ा को पहली दफ़ा खड़ा किया है, पता नहीं क्यों रो रहा है, इसके पाँव को कोई मसला ना हो जाए, बस इसी तरह करके ना हमने खड़ा किया है। आज की वीडियो बस यही थी।